नमस्कार, तारांगण मध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत। नेहमीच मी तुमच्या बरोबर एखाद्या मराठी सेलिब्रिटीला तुमच्या सोबत येऊन त्यांच्याशी चर्चा करतो, पण आज एक वेगळी व्यक्ती आपल्या सोबत आहे जिचं हिंदी इंडस्ट्रीत खूप मोठं काम आहे आणि त्यांनी गेली अनेक वर्ष अतिशय उत्तम काम केलेलं आहे। त्यांचं नाव आहे मनोज वाजपेयी। तुम्हाला कल्पनाच आहे, गेली 3 दशकं ते उत्तम काम करतायत। त्यांना नुकताच भोसले चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार जाहीर झालाय, म्हणून मी आपण सर्वजण आज त्यांच्याशी बरोबर गप्पा मारणार आहोत, तुम्ही त्यात सहभागी होणार आहात। तो मनोज जी, मैं सबसे पहले तारांगण की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूँ, तारांगण के दर्शकों से, और आपका अभिनंदन भी करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहता हूँ मनोज जी, कि पिछला साल अपने लिए काफी डिफिकल्ट था, कोरोना की वजह से सबकी लाइफ चेंज हुई थी, और उसी समय अभी कुछ दिन पहले आपको ये अवार्ड मिला है, तो इस अवार्ड को आप किस नजर से देखते हैं? नहीं, मैं इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पे देखता हूँ, क्योंकि जिस फिल्म को बनाने में हमें इतनी तकलीफ आई, इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ा, इस फिल्म को बनाने के लिए कोई प्रोड्यूसर तैयार नहीं था, 4 साल लग गए हमें इस फिल्म को बनाने में, फिर इसको लेकर के हम सारे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में गए, बहुत सारी जगह सम्मान मिला, लेकिन फिर भी इस फिल्म को रिलीज करने में हमें कठिनाई आ रही थी। तब तक ये कोरोना हो गया और फिर बाद में हमें OTT पे इसको रिलीज करना पड़ा पिछले साल ही, जहां पर बहुत सारे लोगों ने देखा, सराहा। एक इंडिपेंडेंट फिल्म, एक पैरेलल सिनेमा को जिस तरीके से आम दर्शक ने सराहा और जिस तरीके से उन्होंने जाके देखा, वो अपने आप में एक बड़ी चीज थी। हमें इतना बड़ा दर्शक कभी थिएटर में नहीं मिल पाता इस फिल्म के लिए। तो अंत में जब नेशनल राष्ट्रीय पुरस्कार जब मिलता है मेरी परफॉर्मेंस को इस फिल्म के लिए, तो आपको लगता है कि सारी कठिनाई और सारी समस्या जो आपने फेस की थी या सामना किया था, वो सब अंत में सब कुछ आपको सही लगता है। फिर आपको लगता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान ने, ऊपर वाले ने आपकी परीक्षा ली और आप उसमें पास हुए। ओके। और जैसे आपने कहा कि फिल्म बनाते वक्त काफी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा, लेकिन आपके रोल के बारे में आपने काफी दर्शकों ने सराही भी आपको, वो रोल कितना चैलेंजिंग था, आपने कैसे वो प्ले किया, कुछ विशेष प्रकार से आपने मेहनत की उसके लिए? देखिए, मैंने जैसे बताया कि हम लोग 4 साल से तैयारी कर रहे थे, 4 साल से पैसा भी ढूंढ रहे थे, तो इस फिल्म की और इस परफॉर्मेंस की तैयारी 4 साल चली, लगातार हम काम ही करते रहे इस पे। और फिर फिल्म के पहले हमने करीब 2 हफ्ते का वर्कशॉप भी किया था, इसमें इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसके पोश्चर्स, इसके चलने का तरीका, इसके सोचने का तरीका, इसके इस अगर ये आप फिल्म देखेंगे तो मुश्किल से 8 या 10 लाइन इस ये किरदार बोलता है, उससे बाकी समय सिर्फ चुप रहता है। तो उसके उसके अंदर की परेशानी लोगों तक पहुंचे, उस पे काम करना बहुत ही कठिनाई भरा रोल था, ये आसान रोल था नहीं। और इसके लिए अगर नेशनल अवार्ड मिला है, ज्यूरी ने अगर उस पूरी की पूरी चैलेंज को और चुनौती को उसने उसकी तारीफ की है, तो मैं सबको हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ। ओके। और ये मनोज जी, ये तीसरा नेशनल अवार्ड है आपका, पहला आपको सत्या को मिला था, फिर पिंजर को मिला, और ये भोसले को मिला है। तो मेरे मेरे ख्याल से जो यंग जनरेशन है उसमें आप शायद पहले कलाकार होंगे कि जिसको 3 नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। तो मुझे पूछना ये था कि ये तीनों रोल एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, तो जैसे आपने भोसले का तो अभी बताई है, तीनों में से कौन सा रोल आपको ज्यादा चैलेंजिंग लगा था, ज्यादा मुश्किल भरा लगा था, कुछ बताएंगे इसके बारे में? मंदार जी, ये सवाल नहीं पूछना चाहिए एक्टर से। ओके। ये क्योंकि क्योंकि एक्टर जो है वो ज्यादातर 90% किरदारों में अपनी जान लगा देता है। राइट, सही है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी फिल्में और सारे के सारे किरदार उनको जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जाए या कोई भी पुरस्कार मिले। बहुत सारी फिल्में हैं जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला, बहुत सारे किरदार हैं जो अभिनय है मेरे
जिनको नहीं मिला लेकिन मुझे लगता है कि उनको मिलना चाहिए था या उनको वो उपलब्धि हासिल होनी चाहिए थी, लेकिन अब वो किसी ना किसी कारण से वो रह जाते हैं, लेकिन वो मेरे दिल के बहुत करीब है। क्योंकि एक अभिनेता जो है वो हर किरदार में अपनी जान लगा देता है, खास करके मैं अपने लिए कह सकता हूँ कि मेरे लिए जिस दिन मैं शूटिंग करने जाता हूँ मेरे लिए मेरा परिवार भी और मेरी परिवार की जरूरतें भी पीछे हो जाती है, और ये मेरा परिवार इस बात को जानता है। तो चाहे वो भोसले हो, चाहे जो साइलेंस हो जो Z5 पे आ रही है 26 को, या फिर फैमिली मैन हो, या फिर अलीगढ़ हो, या फिर सत्या हो, पिंजर हो, सब में उतनी ही जान लगती है, उतनी ही खून पसीना बहाना पड़ता है। और किसी में आपको इनाम मिलता है और किसी में नहीं मिलता है। ओके और अभी भोसले के लिए आपको अवार्ड मिला है, लेकिन मैं एक कोइंसिडेंस बताना चाहूंगा। जो आपका पहला नेशनल अवार्ड था सत्या का, उसका आपका कैरेक्टर था भीकू मात्रे, और जो अभी भोसले वो भी मराठी कैरेक्टर है, तो दो मराठी कैरेक्टर के लिए आपको नेशनल अवार्ड मिला है ये। देखिए मेरा मेरा कुछ मराठी किरदारों के साथ में बड़ा अजीब सा एक संबंध रहा है, मैं आपको बताता हूँ। सत्या ने मुझे इतनी बड़ी सफलता दी, भीकू मात्रे वो मराठी, फिर अलीगढ़ में प्रोफेसर रामचंद्र सीरस जिन्होंने मुझे पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा मुझे सम्मान दिया वो मराठी, गणपत भोसले वो मराठी, और बहुत सारे और भी हैं जिनके नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन कम से कम 5-6 किरदार तांडव में थे। सरकार में तांडव में नहीं था, सरकार में था मैं, सरकार में वो जो है वो मराठी, कई सारे मैंने मराठी किरदार किए हैं, और सारे मराठी किरदार जितने भी किए हैं मैंने वो सारे बहुत ही चर्चित रहे हैं और बहुत ही उन्होंने मुझे नाम दिया है। तो मेरा एक 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 रिश्ता रहा है मराठी किरदारों के साथ में। अब हमेशा जब भी मैं करता हूँ तो वो कुछ ना कुछ मुझे इनाम मिलता ही मिलता है। ये मराठी मैनरिज्म्स आपने सीखे या आपके आजू बाजू में जो मराठी लोग रहते हैं उनसे आपने सीखे, या आपके कोस्टर्स उनसे आपने आत्मसात किए है? देखिए इसका मतलब ये है कि मेरा प्रेम मराठी और मराठी संस्कृति और मराठी मानुष को लेकर के बहुत ज्यादा है, और वो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। मेरे जितने सारे मित्र हैं, नंदू माधव और सयाजी शिंदे, उषा जाधव, ये सब जो जितने मेरे बहुत सारे मित्र हैं मराठी एक्टर्स और या जो मराठी डायरेक्टर्स हैं, वो जानते हैं कि मैं बहुत पसंद करता हूँ मराठी संस्कृति को, मराठी मानुष को, और जो जिस तरीके से महाराष्ट्र ने अपने संस्कृति को बचा के रखा और जिस तरीके का उनको गर्व है अपनी संस्कृति पे, अपनी भाषा पे, मैं चाहता हूँ कि ऐसा हर राज्य को हो जाए। तो एक एक प्रेम है, एक रिस्पेक्ट है इस धरती को लेकर के, इस राज्य को लेके, यहाँ के लोगों को लेके, यहाँ की संस्कृति को लेके, जो जिसके कारण मैं इन किरदारों के साथ बहुत ही जुड़ गया। बहुत ही ऑब्जर्व किया है, उनके इनके घर परिवारों में मैं जाता रहा हूँ, देखता रहा हूँ, और वही सब मैं आपके सामने लेके आता हूँ। लेकिन मनोज जी, मराठी ऑडियंस एक चीज के लिए आपके ऊपर नाराज है, वो हाँ। इसलिए आप मराठी फिल्मों में नहीं दिखाई देते हैं, तो अभी तक आपने ऐसा हुआ है या क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, मैं बिल्कुल नाराज होना उनका स्वाभाविक है, लेकिन मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि मैं मराठी समझ लेता हूँ और मराठी लहजे में बात कर लेता हूँ, लेकिन मुझे मराठी फ्लुएंटली आती नहीं है। अगर कोई किरदार ऐसा बहुत ही कमाल का किरदार कोई देगा जिसमें मराठी कम बोलना हो तो मैं जरूर करूंगा। लेकिन मनोज जी, आमिर खान जैसे कलाकार मराठी सीखा भी है उन्होंने, आप तो इतने। आमिर खान की पैदाइश मुंबई की है, आमिर खान की पैदाइश मुंबई की है, मैं मेरी पैदाइश यहाँ की नहीं है, ना मैं यहाँ रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिनेमा में काम करने के लिए आया था,
समझ लेता हूं मैं, काफी कुछ समझ लेता हूं। कल को कुछ अच्छा किरदार मिलेगा जिसमें कम बोलना होगा, जैसे कि भोसले में मैंने बहुत कम बोला है। ओके, ऐसा ऐसा कोई कमाल का किरदार नागराज जैसे लोग देंगे मुझे करने के लिए, या अविनाश अरुण जैसे लोग, तो जरूर करूंगा मैं, क्यों नहीं करूंगा। ओके, तो ऐसा कोई कैरेक्टर आ गया तो आप मराठी सीखने के लिए भी तैयार है? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूँ मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करने से मैं कभी पीछे नहीं हटता। ओके, और जो मराठी दर्शक है वो और एक चीज आपसे जानना चाहते हैं कि आप कौन सा भी रोल ले लो आपके फिल्म का, वो रोल में ही आप दिखाई देते हैं, आप मनोज वाजपेयी लगते नहीं है, तो उसकी रीजन क्या है? वो इनबिल्ट आप एक्टर अच्छे एक्टर इसलिए है, या कुछ अलग तरीके से आप प्रिपेयर होते हैं कैमरा के सामने जाने के लिए? नहीं, मैं सारे रोल के लिए बड़ी मेहनत करता हूँ, और सारे रोल्स के लिए की मेहनत अलग होती है। चाहे वो अली घोड़े हो, चाहे वो भोसले हो, चाहे वो सत्या का बीको मात्रे हो, या शूल का समर प्रताप हो, या पिंजर का रशीद हो, सारे रोल में जाने के तरीके अलग अलग होते हैं, और उन पे मेहनत बहुत करता हूँ मैं, एक महीना डेढ़ महीना। और मैं चाहता हूँ कि एक किरदार खड़ा करूं, एक ऐसा चरित्र खड़ा करूं जो मुझसे अलग हो, जो जिसके साथ में लोग रिलेट करें, जिसको लोगों को लगे कि उन्होंने इस किरदार को देखा है, कहीं आसपास देखा है। मुझे वैसा किरदार खड़ा करने में मजा आता है। इसलिए उस पर मेहनत बहुत ज्यादा होती है मंदार जी, और उसके लिए करीब एक महीना डेढ़ महीना दो महीना तीन महीना मैं बहुत मेहनत करता हूँ उसके 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 बैक स्टोरी पे, उसके कैरेक्टराइजेशन पे, उसकी भाषा पे, उसके लहजे पे, उसके मेंटल उसकी कंडीशन को लेकर के सारी चीजों पे बहुत काम करना होता है। ओके, और मनोज जी, एनएसडी से रिजेक्ट किया हुआ एक कलाकार 3 नेशनल अवार्ड तक पहुंच जाता है, ये इतना बड़ा लंबा सफर आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बहुत बहुत लंबा सफर रहा है मुंदार जी, और बहुत कठिनाई भरा रहा है, क्योंकि जब आपको कठिनाई जब आती है, जब प्रॉब्लम आती है, और जब आपके सामने तकलीफ होती है, तो आपको अपने आप पे शक होना शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि आप में वो काबिलियत नहीं है, शायद आप झूठ अपने आप से बोल रहे हैं, शायद आपको ये काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब तो बोल रहे हैं कि आप अच्छे नहीं है। तो आप ही खुद आप अपने आप को बोल रहे होते हो कि आप अच्छे हैं, बाकी आसपास के लोग ये मानने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन अपने आप में विश्वास और अपनी मेहनत, दो चीजें आपके साथ होती है। अगर आप मेहनत नहीं करें और सिर्फ अपने पे विश्वास करें, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाते। लेकिन आप खुद पे विश्वास करना एक बात है, लेकिन उस पे मेहनत करना बहुत जरूरी है। और ये मैं जानता था पहले से कि मेरे अंदर में मेहनत करने की बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, क्षमता है, और मैं मेहनत करूंगा तो मैं कहीं पहुंच जाऊंगा। और वो मेहनत अभी तक कर रहा हूँ, और वो मेहनत अभी तक छूटी नहीं है, अभी तक कर रहा हूँ। ओके, और मनोज जी, आप फिल्मों में तो दिखाई देते हैं, लेकिन आप फिल्मों के अलावा जो आपकी जिंदगी है, निजी जिंदगी, उसके बारे में कभी किसी को ज्यादा मालूमत नहीं होती है। तो घर के जो मनोज वाजपेयी है, जो अपने फैमिली के साथ रहते हैं, वो कैसे है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं बड़ा मिडिल क्लास आदमी हूँ, बहुत ज्यादा मुझे मैं मिडिल क्लास तरीके से रहना हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हम लोग, मैं, मेरी वाइफ और मेरी 10 साल की बच्ची है। हमारे घर में ज्यादा नौकर नहीं है, हमारे घर में जो जो साफ सफाई करने आते हैं वो करके चले जाते हैं, बाकी समय हम लोग अकेले रहते हैं। अपनी पढ़ाई करते हैं, बच्ची के साथ समय बिताते हैं, आपस में हम लोग पूरी देश दुनिया के बारे में, राजनीतिक आर्थिक सारी बातें करते हैं। हम लोग अपने आप को इंटेलेक्चुअली बौद्धिक रूप से अपने आप को बहुत एनरिच करने की कोशिश करते हैं। साथ में हम लोग साथ में कोई फिल्म देखते हैं, सीरीज देखते हैं, बातें करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। यही हमारा जीवन बहुत ही आम है, बहुत ज्यादा आम है।
मनोज जी, दो छोटे सवाल एंड में। आपने बहुत संघर्ष करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं, बहुत सारा कष्ट का आपने उठाया है। तो मुझे ये पूछना है, आपको फेम मिला, नाम मिला, अवार्ड्स मिले, आपकी लाइफ अच्छी हो गई, तो कौन से ऐसे गोल है जो आप इसके आगे कंप्लीट करना चाहोगे? देखिए, मेरे जीवन में सिर्फ एक गोल रहा था कि मैं एक्टर बनकर के अपनी जिंदगी चलाऊं। एक्टर बन करके मैं रहूं जीवन में। वो तो बहुत साल पहले पूरा हो गया था जब मैंने थिएटर करना शुरू किया था। बाकी कोई, सिर्फ गोल ये है कि मैं जीवन में, अगर मैं जिस समय काम छोड़ूं उसके पहले मैं लोगों को कम से कम 25 से 30 ऐसे काम दे के जाऊं जो 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 मेरा योगदान हो सिनेमा को। ये मेरा गोल है, और उसके लिए किरदार की तलाश करता रहता हूँ, अच्छे स्क्रिप्ट की तलाश करता रहता हूँ, और अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि जो नए प्रतिभा, नए टैलेंटेड जो एक्टर डायरेक्टर हैं, वो अगर मेरे जरिए उनको, मैं उनकी सहायता करता रहता हूं और लोगों को मदद करता रहता हूं कि वो लोग आगे बढ़ें। तो ऐसे अगर कुछ लोगों के जीवन में मेरा योगदान हो जाएगा तो मुझे लगेगा कि शायद मैंने अपने जीवन के साथ कुछ न्याय किया। और आखिरी सवाल, आपका भी नया काम को जो भी आने वाला है उसके बारे में बताइए, फिर चाहे वो फिल्म हो या वेब देखिए, सीरीज। मेरी 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 फिल्म आ रही है Z5 पे, साइलेंस 26 मार्च को रिलीज हो रही है। मैं चाहूंगा कि आपके जितने भी दर्शक हैं उस फिल्म को जरूर देखें और अपनी राय आप लोगों के साथ शेयर करें, हमारे साथ शेयर करें, और अगर अच्छी लगती है फिल्म तो 10 लोगों को और दिखाएं। और आप Z5 पे आ रही है, 26 मार्च को जरूर देखिएगा। फिर फैमिली आएगी 2-3 महीने के बाद। फिर आपको नेटफ्लिक्स पे एक एक घंटे की फिल्म आने वाली है, सत्यजीत रे की कहानी पे, अभिषेक चौबे जी ने डायरेक्ट किया है। डायल 100 करके एक सोनी पिक्चर्स की फिल्म की है मैंने, वो पता नहीं वो थिएटर में आएगी या OTT पे आएगी, अभी उसके बारे में निर्णय नहीं लिया है, लेकिन बहुत अच्छी फिल्म बनी है। मैं चाहूंगा कि लोग उसको जरूर देखें। और मनोज जी, आपने तो इतना अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे एक छोटा सा सवाल था कि बहुत सारा नया टैलेंट मुंबई में आता है कुछ ना कुछ करने के लिए, मनोज वाजपेयी बनने के लिए भी, तो उनको आप सलाह क्या देंगे, उन्होंने क्या करना चाहिए अच्छा काम करने के लिए? मैं, जो लोग बाहर से आते हैं, मैं उन सिर्फ उनसे ये कहूंगा, देखिए आपके माँ बाप तो इस इंडस्ट्री से है नहीं, तो अगर आप सब कुछ छोड़ के, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपना घर छोड़ के, आराम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के अगर इस शहर में आए हो तो कोई भी दिन वेस्ट मत करो। हर दिन को यूज करो, हर दिन मेहनत करो, हर दिन अपने आप पे मेहनत करो, हर दिन कोशिश करो, क्योंकि याद रखो कि अगर आप कहीं कुछ पहुंचोगे, अगर आप कुछ बनोगे, तो उन सब लोगों को बहुत खुशी होगी जो पीछे जिनको छोड़ के आप आए। और अब इतना सब कुछ छोड़ के आए हो और यहाँ पे आके आराम करना है, तो इससे अच्छा कि घर जाके आराम करो, अपने माँ बाप के साथ रहो, उनको सहारा दो। तो अगर आप छोड़ के आए हैं तो पूरी मेहनत कीजिए, इसके अलावा और कोई चारा है नहीं। मनोज जी, आपने हमें इतना समय दिया उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद, तारांगण की तरफ से, मेरी तरफ से, इसलिए आपको शुभकामनाएं देते हैं, और ऐसी अच्छी फिल्में थैंक आप भविष्य में करेंगे ऐसा मैं अपेक्षा भी रखता हूं। यू मंदार जी, थैंक यू वेरी मच। और आपके सारे दर्शकों को, आपके सारे रीडर्स को मैं, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। बस निवेदन करूंगा कि 26 मार्च को मेरी फिल्म साइलेंस जरूर देखें। थैंक यू। ओके, थैंक यू। धमाका मनोरंजनाचा आपल्या घरात तारांगण चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।